तो अगर आपको फ्रिज में गैस चार्ज करना है तो सबसे पहले तो आपको इसका फिल्टर को निकालना होगा काट करके। और सबसे पहला काम, जब भी आप फ्रिज में गैस चार्जिंग करने बैठते हैं तो आप अगर अपना टेबल कुर्सी पीढ़ा जो भी लगा कर बैठते हैं तो अपना बैग से पहले जो है ना ट्यूब कटर निकालना है। और ट्यूब कटर निकाल करके और धीरे धीरे उसको बढ़िया से गोल राउंड में शेप में घुमा घुमा करके उसको काट देना है। इसमें कोई बड़ा कलाकारी नहीं है, इसमें आप एक पहली बार में जो काटता है वो भी काट सकता है, और जो नए लोग हैं वो उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, पुराने लोग तो सब कुछ जानते ही हैं। जब काट दिए हैं, मेरा पहले ही से सब्सक्राइबर है, आपको लगा है वो बढ़ेगा सब्सक्राइबर, आप पहले ही से सब्सक्राइबर हैं, ऐसी होता है। घुमा करके उसके अंदर का छूछी को निकालना होगा, तभी इधर से हवा खींचेगा तो आगे से कंडेंसर से निकलेगा, नहीं तो ऐसे कोई निकलने का जगह नहीं है। देखिए उसी कैप के पीछे में जो बनाया हुआ था चूड़ी जैसा खोलने के लिए, घाट जैसा बनाया हुआ था, चूड़ी जैसा बोल रहे मैं, घाट जैसा बनाया हुआ था, उसी घाट से घुमा घुमा करके उसको खोल करके उसका छूछी को निकाल देना है। वीडियो कट मैं नहीं करूँगा, मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो गैस चार्जिंग सीखना चाहते हैं वही लोग इस वीडियो में रहें, और अन्यथा बेमतलब का आदमी इस वीडियो में नहीं रहें, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपको बोरिंग महसूस होगा। बचे हैं, तेल बहुत इस पर चढ़ा होगा, बैग लोग गरम करके तेल उठा रहा हूँ, झुका के लाए उसका कंडेंसर चेंज कर दीजिए, नहीं चलेगा। देखिए जब हाथ से दबाते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर में वहाँ पे दबाव बनता है, लेकिन आपको दबा करके रखना है, और लगेगा कि अब छूट जाएगा अंगूठा, लेकिन आपको दबा करके रखना है। थोड़ा सा एकदम हाथ कांपने लगे लेकिन उतना देर तक दबा के तब आपको एकदम भड़ास से छोड़ना है एकदम, ताकि अंदर का जो कचड़ा रहता है वो एकदम से बढ़िया से निकल जाए। इस फ्रिज के साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत पुराना कंडेंसर है और इसको हम लोग को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहें, इसको गर्म करके साफ़ करना पड़ेगा। गर्म करेंगे साफ़ करेंगे तब जा करके अच्छा से बनेगा। और हम लोग का मन था कि ये कंडेंसर को ही चेंज कर दिया जाता, उससे समय भी बचता, एलपीजी भी बचता और कस्टमर के लिए भी फायदा रहता, लेकिन अभी जो नया कंडेंसर आ रहा है वो इसके जैसा मजबूत नहीं है। तो अगर इसी कंडेंसर को हम लोग बना देते हैं तो वो भी अच्छा हो जाएगा, तो दोनों तरह से अच्छा रहेगा। ये ऐसे अच्छा तरीका से फ्लशिंग हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बिना इसको गर्म किए हुए अच्छा से फ्लशिंग होगा। हम लोगों को इसको पूरा गर्म करना होगा, और गर्म जब हम कर लेंगे पूरा कंडेंसर का तब इसके अंदर का जो जितना माल है कचड़ा ना वो निकलेगा। और ऐसे तो पूरा जब हाथ जाम हो जाएगा ना तब खुलिएगा, मेरा फोटो आना चाहिए, ऐसे बात ही नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर का कचड़ा निकल जाएगा।
हवा का प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं। जीरो पॉइंट फाइव है, दिख रहा है। विदाउट गैस कंप्रेसर जो है 0.5 लेकर चल रहा है, और जो कंप्रेसर में जब हम लोग गैस भर देंगे तो उस समय क्या लेकर के ये चलेगा, उस समय ही आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए, जब हम लोग आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर में कितना ऑयल चढ़ा हुआ है, और अगर आपका कंप्रेस आपका कंडेंसर में बहुत ज़्यादा ऑयल चढ़ गया है तो बहुत ही अच्छा से साफ हो जाता है, नया की तरह साफ हो जाता है, और फ्रिज का लाइफ बढ़ जाता है। 10 साल में भी फ्रिज चोक नहीं होगा अगर आप इस तरह से उसको गर्म कर दीजिएगा, नया बदल दीजिएगा, सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आप पुराना वाला, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पुराना वाला जितना हैवी है उतना हम जो नया लगा रहे हैं वो नहीं है, तो आप इसी कंडेंसर को इस तरह से बना दीजिए, गरम करिए पहले उसको दम भर इधर से, और ऐसा गरम करना है कि नहीं पेंट नहीं जलाना है फ्रिज का। हाँ, पेंट जला दीजिएगा ना तो आपका कस्टमर आपका पेंट उखाड़ देगा, आपका पेंट फाड़ देगा, ठीक है। तो किसी भी कस्टमर का जब आप इस तरह से कंडेंसर आप गरम कर रहे हो तो बड़े ध्यान से करना है, और आप देखिए कि किस तरह से इसमें धुआं निकल रहा है। और ये फ्रिज जो है ना आउटडोर में बन रहा है दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो फ्रिज है आउटडोर में बन रहा है। अगर यही कस्टमर के घर में आप धुआं निकालिएगा ना तो फायर अलार्म बज जाएगा, उसका घर में सिक्योरिटी वाले चले आएंगे और आपको कस्टमर कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं भाई, कि पूरा धुआं धुआं कर दिए घर। तो मैं जब भी आप कस्टमर के घर में बनाएंगे तो इस तरह का काम नहीं करेंगे कि उसका घर में धुआं भर जाए, तो आप वहाँ पर सीधा उसका कंडेंसर को चेंज कर दीजिएगा, कोई उपाय नहीं है। और क्योंकि कस्टमर के घर में धुआं भरना बिल्कुल ही अच्छा बात नहीं होता है। अभी हम आउटडोर में हैं, मेरा स्टोर रूम में रखा हुआ है ये फ्रिज, यहाँ पे बनने के लिए मंगवा लिए हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा, और कंडेंसर से जो धुआं निकलेगा तो वो ऑयल का धुआं है, तो वो किसी का घर में नहीं भरेगा, वो किसी को हार्म नहीं करेगा। तो इस तरह से गरम करेंगे, और गरम कर करके उसके तो आपको इसी तरह से गरम करते रहना होगा, और जब आप इसको पूरी तरह से गरम कर दीजिएगा तो ये इसका जो जितना भी ऑयल है कचड़ा है वो सब जल जाएगा, और जल करके इसी में रहेगा दोस्तों। अभी इसको हम लोग को बाहर निकालना होगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ये धुआं निकलना बंद हो जाएगा तो मेरा फ्रिज ओके हो गया, कंडेंसर ओके हो गया, नहीं, फिर से इसको हम लोग को फ्लशिंग करना होगा। हाँ, जाइए, ऐसे रिकॉर्ड हो गया ना, काफ़ी है, चार्जर आप लेकर आइए। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि गैस चार्जिंग जो है ना कोई खेल नहीं होता है, इसको करने के लिए स्किल का ज़रूरत पड़ता है, तो वो स्किल आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दिया कि गर्म करना है गर्म करना है, देख लिए कि हाँ इसी गर्म करना है और भाग गए, नहीं, आप ध्यान से देखें कि कैसे गर्म हो रहा है, कैसे कितना उस पर कितना देर रोका जा रहा है, कैसे उसका पेंट बचाया जा रहा है। पीछे में जो मार रहे हैं तो अब पीछे साइड में
फ्रिज का पेंट भी है दोस्तों, तो ऐसा नहीं मारना है कि सब पेंट उखड़ के बिगड़ जाए आग से। आप लोग का समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में मैं आप लोग के ही चलते इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करूँगा, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए इसी तरह से जो है आपको गर्म करना है, और ऊपर से गर्म करते हुए नीचे की ओर आना है, और थोड़ा वेट कर करके रुक रुक करके हर एक पाइप को अच्छी तरह से गर्म करना है। इसके बाद में कैपिलरी का जो काटे हुए हैं उसमें आप ये CTC है उसमें डाल दीजिए, ठीक है, डाल करके। और देखिए अभी हम कैपिलरी से सक करा रहे हैं, ऐसे तो कैपिलरी से हवा फेंकता है लेकिन अभी हम कैपिलरी से सक करा रहे हैं, तो वो कैसे होता है तो फ्रेंड्स हमने इसमें ये जो CTC केमिकल था फ्रेंड्स हमने इसमें ये वाला जो सक्शन लाइन है इसे हम लोगों ने इसे पुश करके रखा, तो ये जो है ये हवा को सक करने लगा था। यहाँ दोस्तों यही सक्शन पाइप है, यही सक्शन पाइप को जब हम लोग बंद कर देंगे तब ये सक करेगा, और जब खोल देंगे तो हवा फेंकेगा। तो सक करना और बंद करना, सक करना और छोड़ना, जब मेरा उधर वाला बिना पाइप को काटे ही हो रहा है तो मुझे तो कैपिलरी ही साफ करना है, मुझे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो जब मुझे कैपिलरी ही साफ करना है और जब मेरा यहाँ से सक हो ही जा रहा है CTC, तो मुझे वो पाइप काटने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपका मन है तो आप वो डिस्चार्जिंग जो इधर से जो कंप्रेसर से जो पाइप निकला हुआ है जो अंदर की तरफ चेंबर में गया है उसको भी आप काट करके वहाँ से भी आप CTC को ले सकते हैं। उस पर भी एक अलग गैस चार्जिंग का मेरा वीडियो है जो कि मैंने बताया है, और इसमें मैंने अलग तरीका अलग टेक्निक यूज किया है, तो इसीलिए ये गैस चार्जिंग और वो गैस चार्जिंग में अंतर है। तो आप इस गैस चार्जिंग को देखिए, ये गैस चार्जिंग जो होता है ये भी बढ़िया है, और आप देख सकते हैं कि CTC से आपको ये खुद ही बता रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। कैपिलरी ठीक है फ्रेंड्स, खींच रहा है ये हवा को, खींचना चाहिए, ठीक है। जब ये सक करता है ना तो आपको महसूस नहीं होगा, हाथ उठ से जीप से आपको महसूस करना होगा कि ये सक कर रहा है, लेकिन ये सक कर रहा होता है। वो जल के राख हो चुका है, वो प्रेशर करने के दौरान बाहर निकल रहा है। देखिए ईंटा जो रहता है ना, ईंटा का बुकनी जैसा निकल रहा है, जलाए हैं जब कंडेंसर तो ईंटा का बुकनी जो रहता है, ईंटा जब पीस देते हैं घर बनाने वाला ईंटा, वही ईंटा का बुकनी निकल रहा है अंदर में। जब तक साफ नहीं होगा धुआं ना आना तब तक नहीं है, और वैसा हमरा जानते हैं इतना गंदा था इसके कंडेंसर में। बिल्कुल नहीं, कमरे होता है क्या बोले। मेरा मन से रहता ना यही कंडेंसर चलने लायक है, ये कंडेंसर साफ हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं लगा है, दो बार ईटा का बुकनी निकला है, और इसके बाद में कंप्रेसर कंडेंसर से साफ हवा निकलना चालू कर दिया है, तो हम मान सकते हैं कि मेरा कंडेंसर ये पूरी तरह से साफ हो गया है। और अब हमें अपना गैस चार्जिंग का जो कार्रवाई है उसको स्टार्ट करना होगा, इसमें नया फिल्टर जोड़ना होगा, और सूखा हुआ हवा आ रहा, तेल ताल कुछ नहीं। हाँ एक नंबर का हवा लग रहा है कि एकदम आपका आगे आगे मैं बताता चलूँ कि इसमें फिल्टर जोड़ने के बाद में इसको वैक्यूम करेंगे, इसके बाद इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। यही वाला, हाँ तीन स्पीड वही है।
तीन स्ट्रीट वही है, जाके पता कर लीजिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप यहाँ से आप इसको भगाइएगा नहीं। भगाने के लिए आपको मन जरूर करेगा कि नहीं थोड़ा सा आगे कर देते हैं तो ये फ्रेंड हम, मेरे लिए बढ़िया है कि सब छोड़ छाड़ करके हम आगे पहुंच जाते हैं। हम लोग इसमें दोस्तों सीखने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, समझ गए। सामने में प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं, कोई किताब पर नहीं बता रहे हैं कि बोरिंग लग रहा है। और पहले ही से था, लेकिन गैस चार्जिंग सिखा रहे हैं, इसीलिए हम वीडियो कट नहीं कर रहे हैं। दूसरा वीडियो रहता तो हम जरूर कट कर देते। और अब हम यहाँ पे देखिए, इसको हम ड्रायर को ला चुके हैं। सर सफाई वहाँ पे कर लीजिएगा जहाँ लगाना है। आप ही बोलिए है? आप ही बोलिए। अच्छा, हम ही बोले। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, ये जब भी आप दोस्तों ड्रायर यहाँ पे लगाते हैं तो उसको आप प्लास से जरूर चिपका लीजिए, उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए बढ़िया से। और साफ करने और के बाद में प्लास से हल्का दबा दे रहे हैं ताकि यहाँ, अभी तो पहले छीलने का काम किया जा रहा है, थोड़ा आसानी होगा। ऊपर का जो इधर ऊपर जैसा है उसको छील दीजिए बढ़िया से, नीचे गिरेगा नहीं। और नहीं तो अगर आप इसको यहाँ से नहीं चिपकाइएगा तो ड्रायर हमेशा नीचे मुंह में झुकल रहेगा। तो उसको सीधा करने के लिए भी, और इसके लिए इसको बढ़िया से प्लास चिपका लिया जाता है, उसको जाम कर देना है। जाम इसलिए करना है क्योंकि आप जब इसको खोस दिए उसमें, तो जिस समय आप इसको गर्म करिएगा और अगर जाम नहीं कीजिएगा तो नीचे पिघल के गिर जाएगा, बहुत जल्दी घस सकता है अपना जगह से गर्म होने के बाद। ब्रेजिंग इसीलिए जाम कर दीजिएगा, ब्रेजिंग करने अगर आपका जब भी इसमें नीचे मुँह है ना झुका हुआ है, ब्रेजिंग करने आप गर्म कीजिएगा तो भी वो नीचे नहीं गिरेगा, घसकेगा नहीं अपना जगह। बीच में गर्म करना है और टॉर्च को आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ब्रेजिंग करना है उससे कम से कम 1 इंच दूर रखें, 1 इंच से हल्का कम, और वो अच्छा से वहीं से ब्रेजिंग हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा सटा दीजिएगा तो भी हीट नहीं करेगा, तो इसको ज़्यादा सटाना भी नहीं रहता है। और तो उस हिसाब से आपको अपना ब्रेजिंग करते समय रखना है। और इसमें देखिए सुहागा को हम लोग डाल दी, गैस टॉर्च से जो ब्लू वाला फ्लेम निकल रहा है उससे थोड़ा सा और गार्ड ऐसे सटा देना है। तो दोस्तों इसी तरह हम कैपिलरी के पाइप को कम से कम 1.5 सेंटीमीटर जो है अंदर में ड्रायर में घुसेड़ दिए हैं, और उसको वहाँ पे हम इसको अब ब्रेजिंग कर दे रहे हैं। और इसको ज़्यादा देर तक ब्रेजिंग नहीं करना है, आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं तो कैपिलरी के अंदर में जो छेद रहता है वो बंद हो सकता है। तो इसको बहुत ही कम समय में देखिए हम इसको ब्रेजिंग कर लिए हैं, और यहाँ से अब हम इसको अब दोस्तों इसमें वैक्यूम का बारी है। तो वैक्यूम करने के लिए आपको एक अलग से एक और कंप्रेसर का जरूरत पड़ेगा या वैक्यूम मशीन का जरूरत पड़ेगा, और इस तरह का एक मीटर का जरूरत पड़ेगा, और एक अलग से आपको
और पाइप लगेगा जो कि सीधा कंप्रेसर में चला जाएगा। और एक तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये वैक्यूम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मौसम मॉइस्चर किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आधा घंटा के लिए वैक्यूम कर देंगे ताकि इस मौसम का कोई हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि आज बारिश भी हुआ था, तो जब भी हम लोग बारिश में गैस चार्जिंग करेंगे तो हवा में मॉइस्चर रहता है, तो उस मॉइस्चर के लिए हम लोग आधा घंटा इसके वैक्यूम में लगा करके छोड़ देते हैं और मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद में। तो दोस्तों मेरा वैक्यूम हो चुका है और आधा घंटा मैंने इसको करेक्ट वैक्यूम किया है, और इसको आपको जो PSI मीटर को पहले पूरी तरह से टाइट कर दीजिए, कस दीजिए, क्योंकि आपको कंप्रेसर खोलना है। अगर उसको बिना टाइट किए, बिना आप उसको टाइट किए इधर कंप्रेसर खोल दीजिएगा तो सारा वैक्यूम बेकार हो जाएगा, आपका एयर अंदर चला जाएगा। तो वैक्यूम किया नहीं किया सब आप बराबर नहीं कीजिएगा, उसको पहले आपको बंद कर देना। अब हम इसमें गैस चार्जिंग करेंगे लगे लगे, तो हम जोड़ दे रहे हैं, और जो आपको जो बंद किए थे PSI मीटर वहाँ से सलाई रेंज से, तो उसको आपको वापस से खोल देना है। और कोई ज़्यादा झंझट का ज़रूरत नहीं है, इसमें धीरे धीरे इसको 1.3 तक गैस चार्ज करना है, क्योंकि ये पुराना मॉडल का फ्रिज है और इसका कंप्रेसर में R12 पहले से गैस डाला हुआ था और उसका इक्विवेलेंट ही है R134। तो हम इसमें धीरे धीरे करके अभी गैस डाल रहे हैं, और ये विदाउट अभी गैस में 0.5 रहता है, लेकिन अभी देखिए इसमें एम्पियर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि अभी इसमें 0.76 एम्पियर जा रहा है, और बहुत ही धीरे धीरे इसमें गैस डालना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार खोल दिए और एकदम पहुंचा दिए 1.3 या 1.8 तक पहुंचा दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत ही आराम आराम से जितना धीरे धीरे हो सके आपको मीडियम में डालते रहना है। तो मेरा 0.7 तक हो चुका है, अभी हम इसमें और डालेंगे और 0.9 तक डाल करके हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि R12 का दिया हुआ है इसका एम्पियर 1.3, लेकिन जब हम R134 डालेंगे तो 0.8 तक ही मेरा हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, और बाद में जब हम लोग पाइप खोल देंगे तो वो घटता भी है, तो अगर हम 0.8 पर खोलेंगे तो घट के 0.6 पर आ जाएगा, और अगर हम 0.9 पर खोलेंगे तो घट करके 0.7 तक आ जाएगा, क्योंकि पाइप में जो गैस रहता है ना उसका भी PSI वो बता देता है वहाँ पर एम्पियर में। अभी देख सकते हैं 0.7 मेरा है और 0.8 हो गया है। इसी तरह से अब मेरा इसमें गैस चार्जिंग हो चुका है, और अब हम इसको हम लाइन को काटेंगे और सब कुछ अब अपना खोल लेंगे। 20 PSI तक पहुंच चुका है हमारा। तो आपको दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है कि PSI भी देखना है, और अब हम इसको खोल लेते हैं। बंद कर दिए हैं गैस डालना। PSI आप देख सकते हैं वहाँ पर 20 PSI तक पहुँच गया है मेरा। पूरी तरह से हम बंद कर देते हैं, अब इतना काफ़ी हो चुका है, और मेरा कंडेंसर भी बहुत बढ़िया से हीट हो रहा है, हाथ लगा के हम देख चुके हैं पूरा, देखिए कंडेंसर ऊपर से नीचे तक पूरा हीट है। और अब पाइप खोल के वहाँ पे चूची लगा देंगे हम उसका, और कस्टमर वोल्टेज सही रहा, बढ़िया से चलेगा। तो आप मिलिए जिनसे आप गैस चार्जिंग अभी ये जो कर रहे थे वो कुछ बोलेंगे तो आप। हाँ फ्रेंड, तो आपने देखा मेरे किस तरह से फ्रेंड को गैस चार्जिंग किया, तो हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, शाम हो गया है और मेरा फ्रिज बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, जो आज हम लोग इसे बनाए थे और 2 घंटा से ऊपर हो चुका है इसमें लाइन दिए हुए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कूलिंग हो रखा है, और मैं आपको अंदर में दिखाता हूँ। ये सब देखिए, आइस इसमें जमा हुआ है और भाप देखिए कितना इसमें निकल रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अभी ये मेरा फ्रिज बहुत ही बढ़िया से बन चुका है। तो हम लोग का बनाया हुआ आपको अगर पसंद आया होगा एकदम सिंपल तरीका से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी